हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी अपडेट्स में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी हिस्ट्री सब्जेक्ट लिया हुआ है, उनका बुक का कोड है आपका BAHI101 और बुक का नाम है आपका हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया। तो दोस्तों, ये है आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 2022 का, जिसको मैं आप सभी लोगों के लिए सॉल्व करके लेके आ रखा हूँ। तो आज की वीडियो में जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको एक बार पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो है आपका, प्राचीन काल के भारतीयों में इतिहास बोध का अभाव था, आप इस विचार से क्या कहाँ तक सहमत हैं। तो इसका जो आंसर है वो अब हम जो है करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस वीडियो में एंड तक बने रहना है अगर आप जो है अपने हिस्ट्री सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी होगी, प्राचीन काल में भारतीयों में इतिहास बोध का अभाव। जैसे ही आप ये हेडिंग डालेंगे उसके बाद आपको इसमें लिखना है, डॉक्टर RC मजुमदार का मत है इतिहास लेखन के प्रति भारतीयों की विमुखता भारतीय संस्कृति का भारी दोष है। इसका कारण बताना सरल नहीं है, भारतीयों ने साहित्य की अनेक शाखाओं से संबंध स्थापित किया और उनमें से कई विषयों में विशिष्टता भी प्राप्त की, किंतु फिर भी उन्होंने कभी गंभीरतापूर्वक इतिहास लेखन की ओर ध्यान नहीं दिया। अलबरूनी ने भी लगभग ऐसे ही विचार प्रकट किए हैं, यथा हिंदू घटनाओं के ऐतिहासिक क्रम की ओर अधिक ध्यान नहीं देते, ये घटनाओं को काल कर्म के अनुसार लिपिबद्ध करने में अत्यंत असावधानी से काम लेते हैं और जब भी ऐतिहासिक जानकारी के लिए उन पर दबाव डाला जाता है तो उत्तर देने में समर्थ न होने पर वे कोई कहानी सुनाना आरंभ कर देते हैं। तो उसी के बाद इसमें आपको जो है सेकेंड हेडिंग डालना है, जो आपकी दूसरी हेडिंग हो जाएगी वो हो जाएगी, प्राचीन काल में इतिहास लेखन की परंपरा। जैसे ही आप ये हेडिंग डालेंगे उसके बाद आपको इसमें लिखना है, इतिहासकार एक वैज्ञानिक की भांति उपलब्ध सामग्री की समीक्षा करके अतीत का सही चित्रण करने का प्रयास करता है, उसके लिए साहित्यिक सामग्री, पुरातात्विक साक्ष्य और विदेशी यात्रियों के वर्णन सभी का महत्व है। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए पूर्णतः शुद्ध ऐतिहासिक सामग्री विदेशों की अपेक्षा अल्प मात्रा में उपलब्ध है। यद्यपि भारत में यूनान के हेरोडोटस या रोम के लीवी जैसे इतिहासकार हुए, अतः कुछ पश्चात विद्वानों की यह मानसिक धारणा बन गई थी कि भारतीयों को इतिहास की समझ ही नहीं थी, लेकिन ऐसी धारणा बनाना भारी भूल होगी। वस्तुतः प्राचीन भारतीय इतिहास की संकल्पना आधुनिक इतिहासकारों की संकल्पना से पूर्णतः अलग थी। वर्तमान इतिहासकार ऐतिहासिक घटनाओं में कारण कार्य संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्राचीन इतिहासकार केवल उन घटनाओं या लक्ष्यों का वर्णन करता था जिनमें आम जनमानस को कुछ सीखने को मिल सके। महाभारत में इतिहास की जो संकल्पना दी गई है उससे भारतीयों की इतिहास विषयक संकल्पना उदासभूत होती है। महाभारत के अनुसार ऐसी प्राचीन लोकप्रिय कथा जिससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की व्यावहारिक शिक्षा मिल सके इतिहास कहलाती है। प्राचीन भारत में भारतीय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक समझते थे, इसलिए प्राचीन भारत का इतिहास राजनीतिक, कर्म और सांस्कृतिक अधिक है। भारतीय इतिहासकारों का दृष्टिकोण पूर्णतः धर्म परक था, किंतु धर्म के अतिरिक्त अनेक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कारण थे जिन्होंने भारत में अनेक आंदोलनों, संस्थाओं और विचारधाराओं को जन्म दिया। तो दोस्तों, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट हेड हो जाएगी, आपकी थर्ड हेडिंग है, जो थर्ड हेडिंग हो जाएगी वो हो जाएगी, प्राचीन भारतीयों में इतिहास बोध। जैसे ही आप ये हेडिंग डालेंगे उसके बाद आपको इसमें लिखना है, कुछ लेखकों ने तो यहाँ तक यह कह डाला कि
प्राचीन भारत के लोगों में ऐतिहासिक बोध था ही नहीं, किंतु उपयुक्त विचार को अब सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाता। डॉक्टर ए बी कृत जैसे विद्वान भी यह स्वीकार करते हैं कि भारतीयों में ऐतिहासिक चेतना का प्राचीन काल में भी अभाव नहीं था। इसका प्रमाण कुछ ग्रंथों तथा तत्वों से प्राप्त होता है। भारतीयों की प्राचीनता और उनकी विकसित सभ्यता के रूप से दृष्टि हटाकर उनमें ऐतिहासिक चेतना के अभाव को ढूंढना हास्यास्पद होगा। किंतु डॉक्टर कीथ एथ भी कहते हैं कि इतने विशाल संस्कृत साहित्य में इतिहास को कोई प्रमुख स्थान प्राप्त ना हो सका, और संस्कृत साहित्य के महान युग में एक भी ऐसा लेखक नहीं हुआ जिसे समालोचनात्मक इतिहासज्ञ कहा जा सके। डॉक्टर कृथ ने इस तथ्य के विभिन्न कारण ढूंढने की चेष्टा की है। उसका विचार है कि यूनान पर होने वाले ईरानी आक्रमण ने जिस प्रकार हेरोडोटस के इतिहास को प्रेरणा प्रदान की, वैसी प्रेरणा भारतीय राजनीतिक घटना चक्रों से भारतीय विद्वानों को प्राप्त ना हो सकी। भारत की जनता पर उस समय की राजनीतिक घटनाओं का उतना प्रभाव नहीं पड़ा कि उनमें सर्वसाधारण को भाग लेना पड़े। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में भारत पर होने वाले विदेशी आक्रमण संभवतः इतने महत्वपूर्ण ना थे कि लोगों में राष्ट्रीय भावना जागृत कर सकते। यही बात सिकंदर, यूनानियों, पार्थियों, सरकों, कुषाणों तथा हूणों के आक्रमणों के संबंध में भी कही जा सकती है। भाग्यवादी भारतीयों के विरक्त रहने का कारण यह विचार था कि सभी घटनाएं उनकी बुद्धि और दूरदर्शिता से परे हैं। उन्होंने चमत्कारिक घटनाओं को दिव्य कर्म, इंद्रजाल और मायाजाल स्वीकार किया। भारतीय बुद्धि विशेष घटनाओं की अपेक्षा सामान्यतः को अधिक महत्व प्रदान करती है। सुनी सुनाई बातों और वास्तविकता के अंतर को समझने की उन्होंने कभी चेष्टा न की। परिणाम स्वरूप घटनाओं के क्रम की पूर्ण अपेक्षा कर दी गई और कालानुक्रम की ओर ध्यान न दिया गया। तो दोस्तों, ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। तो अगली वीडियो में जो है हम इसका जो 2022 का जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसका जो है सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जो क्वेश्चन है आपका सेकंड वो है प्राचीन भारत के इतिहास लेखन के लिए पुरातात्विक स्रोत के महत्व का परीक्षण कीजिए। तो दोस्तों, अगली वीडियो में आपको जो है इस ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाली जो हमारी वीडियोज़ हैं जो भी आपके सब्जेक्ट के वो नहीं देखे हुए हैं, तो इस वीडियो में आपको क्या करना है, हमारे चैनल को ओपन करना है, आपको प्लेलिस्ट में जाना है, जो भी आपके वहाँ पे सब्जेक्ट हैं आप उनको सेलेक्ट करके उनकी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही में जो बेल आइकन है उसको भी ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जब कभी भी मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर लेके आऊँ तो उस टाइम जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।